सिद्धेभ्यः श्री आदिनाथ भगवान की भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की जिनवाणी माता की परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर रभावेकृत सनकर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। धर्म स्नेही बंधुओं, संसार की दशा का वर्णन करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुस्काल निर्गमं वांछिता धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरा धनम। कल बताया था कि जंगल में अग्नि लगी है, सबको जलते हुए देख रहा है, किंतु वो ये नहीं सोच पा रहा, यदि सब जल रहे हैं तो मैं भी जलूंगा। जब सारे पेड़ जल रहे हैं तो क्रम से जिस पर मैं बैठा हूँ उसका नंबर भी आएगा। बात यहाँ धन की जल रही है। पूज्यपाद स्वामी तीन चार गाथाओं में धन का ही उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि संसार का प्राणी सबसे ज़्यादा यदि प्रेम करता है तो धन से करता है। किससे करता है? धन से करता है। वो नोट, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, जायदाद, इसकी बड़ी कीमत करता है। इतनी कीमत करता है कि वो उतनी कीमत अपने जीवन की भी नहीं करता है। इसलिए एक बड़ी अच्छी कहावत बनी हुई है, चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए। सुना होगा आपने ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे जान चली जाए मगर पैसा छूटने वाला नहीं है। नहीं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सब तरह के लोग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि प्रेम करता है, कोई 100% करता है, कोई 110% करता है, कोई 70 करता है, कोई 50% करता है, करते सब हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो धन से प्रेम ना करता हो। अब उसी धन के विषय में बताते हैं कि आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुर कालस निर्गमम। आयु, यहाँ पर आयु क्षय की बात कही है कि प्रति क्षण आयु का क्षय हो रहा है। कौन सी आयु का? जिस आयु में हम बैठे हैं उस आयु का क्षय हो रहा है और आगे की तरफ जा रही है, यानी वर्तमान में हम पुण्य आयु में बैठे हुए हैं। कौन सी आयु में? चार आयु होती है, देवायु, मनुष्यायु, त्रयंचायु और नरकायु। जीव जब इन गतियों में जाता है तो उस आयु को प्राप्त करता है। इनमें से तीन को तो पुण्य आयु कहा है। कौन सी आयु कहा है? तीन को, देवायु, मनुष्यायु और त्रयंचायु। त्रयंच आयु भी पुण्य प्रकृति में आती है। मैंने एक दिन बताया भी था कि जब कोई त्रयंच गति में जाना नहीं चाहता है लेकिन चला जाए तो मरना नहीं चाहता है। जब मरना नहीं चाहता है इसका मतलब जिस शरीर में वो रह रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसके लिए वो चीज़ इष्ट हो गई। और जो चीज़ जिसके लिए इष्ट होती है, जिससे वो प्यार करता है, वो पुण्य प्रकृति है। जो चीज़ जिसे अच्छी लगती है वो किसके अंतर्गत आएगी? पुण्य प्रकृति के अंतर्गत आएगी।
पुण्य एक बड़ी अच्छी चीज है। ये शरीर मिला, एक वैज्ञानिक से कहो कि शरीर को बनाकर बता दें कितने रुपए लगेंगे। अरे बोलो ना, रोबोट तो बनाए हुए हैं ना, लेकिन रोबोट के अंदर वो सब चीज़ें हैं जो एक मनुष्य के अंदर होती हैं। मशीन का ढांचा तो खड़ा कर दिया है, मगर वो भावना उसके अंदर, वो आत्मा उसके अंदर नहीं डाल सका है। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि मनुष्य शरीर धन सोना चांदी से नहीं मिलता है, किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है। पुण्य भी फ्री में नहीं आता है, पिछले जन्म में बड़ी मेहनत करी होगी, बहुत धर्म किया होगा, बहुत आपने भावनाएं भाई होंगी जब नरक में थे, हे भगवान बस एक बार मनुष्य पर्याय दे दे, एक बार मनुष्य पर्याय दे दे, ऐसा काम नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा नरक में आना पड़े, भगवान बस एक बार मनुष्य पर्याय दे दे। खूब प्रार्थना की होगी, खूब भगवान को याद किया होगा, तब कहीं जा कर के ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य पर्याय मिली है। ये इस जिस शरीर में ये आत्मा बैठी है, इसको छोटा मोटा मत समझना, ये बहुत कीमती है। अब आप कहोगे क्या कीमती है? आजकल के डॉक्टरों ने देखो नकली पैर बना लिए, नकली हाथ बना लिए, नकली दांत बना लिए, हैं नकली और भी चीज़ें हैं जो बना रहा है, चल रहा है, अभी प्रोग्रेस चल रही है। नकली तो नकली ही है, आँख जो आपकी असली है वो असली ही रहे, ये पता तब चलेगा जब ये आँख चली जाती है। जब तक आँख रहती है तब तक तो दिन भर मोबाइल चलाते हो, जब आँखें ख़त्म होने लगती हैं तब पता चलता ये आँख क्या चीज़ थी। चश्मा तो चश्मा है, आँख आँख है और चश्मा चश्मा है, चश्मा बाहर की चीज़ है, चलो फिर भी तुम्हारा पुण्य का उदय था, चश्मा भी मिल गया। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें तो वैज्ञानिकों ने बना ली हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, शायद मैंने पहले बताई थी कि जैसे एक मशीन में दाल भी डालो, चावल भी डालो, सब्जी भी डालो, दही डाल दो, पापड़ डाल दो, अचार डाल दो, और फिर कोई मशीन ऐसी हो जिसमें से उसमें से ब्लड बन के निकल जाए, चर्बी बन के निकल जाए, हड्डियाँ बन के निकल जाए, ऐसा ऐसे है कोई मशीन दुनिया में? नहीं है। वो मशीन कहाँ है? किसके पास है वो मशीन? है कर्म की गति देखो आप, ऐसी मशीन लगाकर भेजा है कि अपने आप ही सब कुछ बनता रहता है। तुम्हारा काम तो ऐसा है, जैसे महिलाएं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हैं, पानी डाल देती हैं, सर्फ डाल देती हैं और चालू कर देती हैं, अब अपना काम करती है, मशीन अपने आप कपड़े धो रही है। ऐसे तुमने दाल डाल दिया, चावल डाल दिया, भोजन डाल दिया, पापड़ दही अचार सब डाल दिया, अब तुम्हारा काम खत्म। अब किसका काम हो रहा है? अब मशीन का काम चल रहा है, वो अपने आप ब्लड बना रही है, अपने आप हड्डियाँ बना रही है, अपने आप चर्बी बना रही है, अपने आप जो बना सब उसका काम है। तो इतनी अच्छी मशीन जो आज वैज्ञानिक नहीं बना पा रहे हैं, इतनी अच्छी मशीन क्या फ्री में मिल सकती है? बताइए मुझे, बिना पुण्य के उदय से ऐसी मशीन मिल ही नहीं सकती है। और पुण्य तो एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। आपके पास धन है, पैसा है, मकान है, दुकान है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, किसके उदय में है? पुण्य के उदय में। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, यानी पुण्य के उदय में सब कुछ मिला है, यदि पुण्य ना हो तो मिल ही नहीं सकता है, तीन काल में नहीं मिल सकता है। तुम आज यहाँ बैठे हो, यदि पुण्य का उदय है कहीं और चले जाओ, जो व्यवस्था आपको यहाँ मिली है उससे ज़्यादा व्यवस्थाएं आपको वहाँ मिल जाएंगी। क्यों? पुण्य साथ लेके गए, क्योंकि पुण्य साथ लेके गए हो। और यदि पुण्यहीन है तो जहाँ रहता है वहाँ भी खराब करता है, और जहाँ जाता है वहाँ भी उसे कोई व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं। अब मान लो एक व्यक्ति है, एक बच्चा पैदा हुआ घर में, और कोठी, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री सब कुछ है उसके घर में,
और सब कुछ होने के बाद भी उस बच्चे की बुद्धि ठीक नहीं है, अब बताओ वो भोग पाएगा वो सारी चीजें? मिलने का पुण्य तो था मगर भोगने का पुण्य नहीं है। बिना पुण्य के भोग भी नहीं सकते हो, बिना पुण्य के मिठाई भी नहीं खा सकते हो, बिना पुण्य के मंदिर नहीं जा सकते हो। पुण्य तुम्हारे हर क्षण साथ चलता है, जहाँ जहाँ पुण्य साथ चलता है वहाँ वहाँ सफलताएं मिलती जाती हैं, और जहाँ पुण्य की कमी आ जाती है वहीं मामला गड़बड़ हो जाता है। बाहर का धन इकट्ठा करो ना करो, ये पुण्य इकट्ठा कर लेना। और पुण्य क्या इकट्ठा करना, यदि वीतराग धर्म को प्राप्त करने की भावना भाओ, वीतरागी धर्म को के साथ में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना भाओ, सम्यक ज्ञान की भावना भाओ, सम्यक चरित्र की भावना भाओ, चार आराधना होती हैं, दर्शन ज्ञान चरित्र और तप। इसमें करना कुछ नहीं पड़ रहा, भावना भानी पड़ रही है, और जो इसका धारी है उसकी भक्ति करनी पड़ रही है। इन चारों आराधनाओं के माध्यम से पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। जैसे कि जब कोई खेती करता है तो जमीन में अनाज डालता है, है ना, तो जो अनाज के बाद उसमें पानी डालता है, समय के साथ उसमें फसल खड़ी होती है, दाने आते हैं उसमें, तो केवल फसल ही आती है या फसल के साथ घास फूस भी आती है? अरे बोलिए ना, घास फूस भी आती है। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, यदि आत्म धर्म की प्राप्ति करो, तो उस आत्मा के धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उससे इस संसार के छोटे मोटे सुख तो अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? लक्ष्य धन का मत बनाना, लक्ष्य बनाना मोक्ष का, लक्ष्य बनाना आत्मा को। और जब इसका लक्ष्य बनाओगे तो छोटी मोटी चीजें तो तुम्हारे पीछे, जैसा कि यहाँ आचार्य श्री ने कहा था कि भाई सबसे पहले क्या करो, बोले संसार के दुखों से तो अच्छा है कि स्वर्ग में चले जाओ। फिर सोचा ये स्वर्ग में ही ना फंस जाए, मोक्ष जाके क्या करना, स्वर्ग के सुख ही बढ़िया है। तो फिर बताया नहीं, ये संसार कैसा है। फिर एक एक गाथाओं में, एक एक श्लोकों में संसार के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, बोले संसार में फंसना मत, ये स्वर्ग तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे ज्यादा तो और भी बढ़िया मोक्ष है, और जब तक मोक्ष नहीं जा रहा है तब तक स्वर्ग जाना ठीक है, इसको पकड़ के मत बैठ जाना। ऐसे ही तुम फसल उगा रहे हो तो घास फूस को पकड़ के मत बैठ जाना, नहीं मुझे तो घास फूस अच्छी लग रही, कहेंगे पागल है, जब तेरे को पूरी अनाज की खेती मिल रही थी और तू घास फूस को पकड़ के बैठा है। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष है, कि जो आयु है ये घट रही है, प्रतिपल घट रही है, और इस आयु के घटने में क्या बढ़ रहा है? अरे बोलिए ना, आपके घर में क्या बढ़ रहा है? परिवार बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? परिवार बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, यही तो बढ़ रहा है। घर घर में रह करके क्या क्या चीजें बढ़ती हैं? एक बच्चे ने जन्म लिया, वो बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसने चार बच्चों को जन्म दिया, फिर उनकी उनकी शादियां हुई, फिर उनके आठ हो गए, फिर उनके और हो गए, क्या बढ़ा? परिवार बढ़ा। फिर तुमने धन कमाया, फिर तुम्हारे बच्चों ने धन कमाया, क्या बढ़ा? धन बढ़ा। घटा क्या? आयु घटी। इस धन के बढ़ाने में और इस परिवार के बढ़ाने में क्या घट रहा है? हमारी पुण्य आयु घट रही है। पुण्य के उदय से मिली थी और केवल संसार वृद्धि लगाने में ही इसे साफ कर दिया मामला। पुण्य आयु तो त्रयंच आयु भी है, और वहां भी कुछ संभावनाएं तो हैं, जैसे मनुष्य पर्याय में अनंत संभावनाएं हैं। क्या बन सकते हो? बहुत कुछ बन सकते हो। सबसे अच्छा क्या है बनना? बोले आत्मा को परमात्मा बनाना है। और ये आत्मा को परमात्मा जब बनाने की बात आएगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके आगे के श्लोकों से उसमें रास्ता बताएंगे, त्यागाय श्रेय सेवितम, इस तरह से आगे की बताएंगे कि फिर त्याग की तरफ आगे बढ़ो। यहाँ तो बता दिया स्वर्ग, स्वर्ग बताने पे बता दिया संसार, संसार बताने पे अब बताएंगे कि यदि मोक्ष जाना है तो क्या करना पड़ेगा।
तो संसार में आप मेहनत करते हो, धन कमाते हो, बताइए धन मेहनत से आता है क्या? अरे बोलिए ना, धन मेहनत से आता क्या है? यदि मेहनत से आता है तो सबसे ज़्यादा धन मजदूरों के पास होना चाहिए, जून के महीने की गर्मी में। और देखो क्या पत्थर तोड़ते हैं, क्या तसले उठाते हैं भारी भारी, और फिर भी वो गरीब के गरीब ही रहते हैं, तो धन कहाँ से आता है? एक व्यक्ति एसी रूम में बैठा हुआ है, एक फ़ोन करता है, लाखों का फ़ायदा हो जाता है। और एक सारे दिन धूप में घूमता है, उतने ही कमा पाता जितना पेट भर जाए, हो सकता उतना भी ना कमा पाए। तो धन कहाँ से आया? तुमने धन कमाया नहीं है, तुमने धन खरीदा है। उस धन को खरीदने में तुमने क्या खर्च किया है? उसमें मनुष्य आयु खर्च करी है, उसमें अपना पुण्य खर्च किया है, उसमें हमारी जितनी अच्छी चीजें थी वो सारी खर्च करी हैं, तब वो धन आया है। बंधुओं, जैन धर्म है, किसका है? जैनियों का? अरे बोलिए ना, सभी का मतलब तो बताओ। मानव धर्म है, अभी अधूरा है उत्तर। अभी आपने एक ही गति के जीव लिए हैं, मानव धर्म में केवल एक गति के जीव आए, मनुष्य पर्याय के। जैन धर्म में संपूर्ण प्राणी मात्र का है, वो प्राणी चाहे नरक का हो, चाहे देवगति का हो, चाहे त्रयंच गति का हो, और चाहे मनुष्य गति का हो, उसमें जाति, उसमें संप्रदाय, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, शरीर सबका एक ही मिट्टी से बना है ना? अरे बोलिए ना, एक ही मिट्टी से बना। इसके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो कौन से रंग का है? लाल रंग का। हिंदू के अंदर लाल का, अमेरिका वालों में उनमें भी लाल हो, चीन चाइना वालों में उनका भी लाल होगा। ओहो, अलग अलग होना चाहिए सबका, अलग अलग। भाई धर्म अलग अलग है तो सबका अलग अलग होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, अब ये कोरोना की बीमारी चल रही है और डॉक्टर दवाई देता है, तो सबकी दवाई अलग अलग होती है? जैनियों को कोरोना हुआ है तो वो अलग तरह का होगा, उसकी दवाई अलग होगी, हिंदुओं का अलग होगा, उसकी दवाई अलग होगी, ऐसा है क्या? नहीं, बुखार की दवाई सबकी एक ही होती है। मतलब सबका शरीर एक है, सबका शरीर एक है। जब सबका शरीर एक है तो सबकी आत्मा भी एक सी है। जब शरीर की दवाई एक सी होती है तो आत्मा की दवाई वो क्या अलग होगी क्या? अब शरीर की बीमारियां तो आप गिन के बता दोगे, कोरोना है, बुखार है, जहर सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, सिर दर्द, गिन के बता दोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में है। आत्मा की बीमारी कौन कौन सी है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यही है ना? अब ये बीमारी, क्रोध, मान, माया, लोभ की बीमारी मात्र जैनियों अकेले में है या हिंदुओं में भी है, जितने विश्व के और मनुष्य हैं उनमें भी है, सब में है। मतलब बीमारी सबकी एक है, ठीक है? आत्मा की बीमारी सबकी एक है। अब मनुष्य अकेले में है या पशुओं में भी है? अरे बोलिए ना, कुत्ते को क्रोध आता है? आता है। बंदर को? उसको भी आता है। घोड़े को है? और गधे को? यदि कुत्ते को क्रोध आए तो क्या करता है? भौंकता है। बंदर को क्रोध आए तो क्या करता है? वो भी खू 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 करता है। यदि गधे को क्रोध आए तो क्या करता है? दुलत्तियां चलाता है अपनी, पीछे की टांग चलाता है, वो उससे मारने का प्रयास करता है। यदि गाय को क्रोध आए, बैल को क्रोध आए तो वो सींग से लड़ते हैं। चिड़ियों को क्रोध आए तो वो चोंच से लड़ती हैं। बिच्छू को क्रोध आए तो वो डंक मारता है, हैं? सांप को क्रोध आए तो वो डसता है। यानी क्रोध सबको आ रहा है। जब क्रोध है तो क्रोध के साथ तीन होंगे ही होंगे, ये गारंटी है। मान भी होगा, मायाचारी भी होगी, लोभ भी होगा। और जब क्रोध करेगा तो हिंसा भी करेगा। मुंह से झूठ नहीं बोलता लेकिन झूठ का पाप फिर भी लग रहा है, क्योंकि हिंसा साथ में है। चोरी, कुशील, परिग्रह, सारे पाप हो जाएंगे, हैं? देवताओं में भी हैं,
पशुओं में भी है, त्रियंचों में भी है, मनुष्य में भी है और नारकियों में भी है। तो चारों गति के जीवों के आत्मा की बीमारी एक, शरीर की बीमारी एक और आत्मा की बीमारी एक। और जैन धर्म क्या करता है, आत्मा की बीमारी ठीक करने का जो काम करता है वो जैन धर्म वो कर रहा है और कुछ भी नहीं है। आपने कितने प्रवचन सुने होंगे, सबके प्रवचन सुन लो, सबके अंदर एक ही बात आती है, क्रोध मान माया लोभ कम करो, विशुद्धि बढ़ाओ। यही है ना भाई। मान लो कहीं पर है दूसरे धर्म में, तो किसी धर्म में सेवा को धर्म बता दिया, जैसे ईसाई धर्म है, बोले सेवा ही धर्म है, इसके सिवा कोई धर्म है ही नहीं है। अच्छा, हिंदू धर्म में भक्ति को धर्म बता दिया, भक्ति भक्ति को मुख्यता दे दी। लेकिन जैन धर्म में ये सेवा भी धर्म है, भक्ति भी धर्म है, तप भी धर्म है, त्याग भी धर्म है, लेकिन कषाय छोड़ना सबसे बड़ा धर्म है। कषाय छोड़ना सबसे बड़ा धर्म है। तो जो आत्मा की बीमारी को ठीक करने का है, जो दवाई है, वो बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी गहराई से ऐसा वर्णन, ऐसी चर्चा, ऐसी बातें आत्मा तक की गहराई में, और आत्मा के शुद्ध होने का जो मार्ग है केवल भगवान महावीर के अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। ढूंढ लेना कहीं भी जाकर, कितने शास्त्र पढ़ लेना, कितनी किताबें पढ़ लेना, नीति वाक्य मिल जाएंगे, अच्छे वचन मिल जाएंगे, अच्छे विचार मिल जाएंगे, लेकिन जो आत्मा को परमात्मा बना दे ऐसी बातें केवल जैन धर्म में ही बताई है। तो जैन धर्म मात्र जैनी अकेले का नहीं है, मात्र मानव अकेले का नहीं है, चारों गति के जीवों का है। अब मुझे ये बताओ, जो भगवान महावीर थे तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कौन से भाव में हुई थी और वो कौन सी गति में थे? हैं, शेर की। कौन सी? शेर की पर्याय में थे। 10 भाव पहले, भगवान महावीर बनने से 10 भाव पहले वो शेर की पर्याय में थे। मैंने एक दिन परसों ही नरसों कहा था कि वस्त्र बदलने से इंसान नहीं बदल जाता और शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदल जाती। चाहे वो शेर की पर्याय में हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चींटी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे देव हो, चाहे नरक हो, आत्मा तो वही है। तो सम्यक दर्शन भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में प्राप्त किया था। अब आप कहो नहीं, जैन धर्म तो केवल जैनियों का है। अब देख लो, यहाँ पर मात्र जैनियों का नहीं है, शेर का उद्धार हो गया, एक शेर को भगवान महावीर बना दिया। वो पीछे देखो, एक कुत्ता बैठा हुआ है, ये पूरा जैनी है। शाम की भक्ति सुनता है, सुबह के प्रवचन सुनता, और आज से नहीं, बहुत पहले से, और यही रहता है, शुद्ध चीज खाता है, और इसी परिसर में, मंदिर परिसर में रहता है। भगवान को दोनों उसके जो पैर हाथ जो भी हैं उसको आगे करके नमस्कार करता है, अभिषेक देखता है। तो जरूरी नहीं है कि जागृति केवल मनुष्य पर्याय से ही आती है, यदि जागृति आनी हो तो शेर की पर्याय से आकर के भगवान महावीर बना देती है। तो धर्म जो चीज है ना, वो आत्मा की वस्तु है। हम इसे धन और शरीर से ना जोड़ें, लेकिन हमने आज धर्म को धन और शरीर से जोड़ लिया है। भगवान हम सुखी रहें, हमारा घर सुखी रहे, सब जीवन को सुख बढ़े, आनंद मंगल होए। हम बहुत समुद्र के ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, हम धर्म की गहराई में गए नहीं अभी तक। समुद्र के ऊपर ऊपर क्या मिलता है? लकड़ी है, इसी तरह की चीजें जो हमारे काम की नहीं होती हैं। और समुद्र की गहराई में क्या मिलता है? हीरा मोती मिलते हैं। तो समुद्र की गहराई, ऐसे धर्म की गहराई में जाओ तो आत्मा के हीरा मोती मिलते हैं। और धर्म के ऊपर ऊपर तैरते रहो तो ये संसार की, ये धन पैसा आदि, ये सब कुछ मिल जाएगा, इकट्ठा कर लो फिर छोड़ के चले जाओ। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि धन को प्रेम करता है। अब शेर की पर्याय में था, वहां धन की बात तो कोई थी नहीं, और वहां पर निमित्त ऐसा मिला, मुनियों का निमित्त मिला।
और वहाँ पर जैसे सीमंदर स्वामी के समूह शरण में किसी ने प्रश्न किया कि प्रभो, भारत क्षेत्र में आने वाला अंतिम तीर्थंकर कौन होगा? बोले भगवान महावीर होंगे। प्रभो, आज वो किस पर्याय में हैं? बोले शेर की पर्याय में हैं। अच्छा, चलो देखते हैं, जिन्हें तीर्थंकर बनना है वो आज शेर बना बैठा है, चलो देखते हैं क्या कर रहा है। दोनों मुनिराज आए, चारण रिद्धिधारी थे, आकाश में गमन करते थे, आकर आकाश में ठहर गए। वो शेर क्या कर रहा है? एक हिरण का शिकार कर रहा है। मुनिराज ने आवाज लगाई, भो सिंह, तू ये क्या कर रहा है? तुझे अहिंसा धर्म का प्रचार करना है, आज तू खुद ही हिंसा कर रहा है। आत्मधर्म समझाया, उस शेर ने अणुव्रत ग्रहण कर लिए, हिंसा छोड़ दी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, और फिर वहां से जो फिर वह स्वर्ग गया, फिर आया, फिर कहीं राजा के यहाँ जन्म लिया, फिर स्वर्ग गया, फिर दीक्षा ली, फिर इस तरह से करते 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 वो भगवान महावीर बन गए। हाथी की पर्याय में भगवान पारसनाथ ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। मरुभूति की पर्याय में जो काम नहीं कर पाए वो काम उन्होंने हाथी की पर्याय में कर लिया था। जैन धर्म तो एक मेंढक का भी उद्धार करता है। मेंढक जा रहा है भगवान महावीर के समूह शरण में, और जाकर वहाँ रास्ते में जा रहा है और हाथी के पैर के नीचे आ गया। कहाँ जा रहा था? समूह शरण में जा रहा था। है क्या भावना थी? मन में भक्ति की भावना थी। यदर्चा भावेना प्रमुदित मना दर्दुर ही, है यदर्चा अर्चना के भावों से दर्दुर यानी मेंढक जा रहा है। क्षणादासित स्वर्गी, क्या हुआ? हाथी के पैर के नीचे आया, क्षण भर में क्षणादासित स्वर्गी स्वर्ग चला गया। गुणगण समृद्धि सुख निधि, और वहां तो उनकी रिद्धि सिद्धि के साथ में वो देव बन के पैदा हो गया। मेंढक बन के लेट पहुंचता समूह शरण में, उससे पहले वो देवता बन के समूह शरण में आ गया। जैन धर्म एक मेंढक का भी उद्धार करता है। जैन धर्म बैल को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो तर गया, एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया जीवनधर स्वामी ने तो वो देवता बन गया। जैन धर्म शरीर का धर्म नहीं है, बस ये मान के चलो कि जैन धर्म आत्मा का धर्म है, और जहां जहां आत्मा और जो जो आत्मा है, ये धर्म यदि वहां पहुंच जाए तो समझना सुख वहां पहुंच गया, और जहां जहां धर्म नहीं पहुंचा है वहां वहां सुख पहुंचने वाला नहीं है। तो यहां पर वांछता धनिनाम इष्टम, धन को इष्ट मानता है। धन को क्या मानता है? इष्ट मानता है। हमारा इष्ट क्या है? हमारा अपना आत्म कल्याण हमारा इष्ट है या धन हमारा इष्ट है? हैं, भरत चक्रवर्ती की बात आती है कि एक बार भरत चक्रवर्ती अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, उनके पास में कुछ सिपाही उनके जो थे आए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, क्या हुआ? बोले आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उन्होंने दो चार अंगूठियां उतारी और दे दी। फिर उसके बाद फिर दूसरा दल आया, महाराज की जय हो, भाई अब क्या हुआ? बोले महाराज आपको आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अब आप चक्रवर्ती बन जाएंगे। थोड़े और उतारे और दे दिए। फिर तीसरा दल आया, महाराज की जय हो, भाई क्या हुआ? बोले आदिनाथ प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, शरीर में जितने आभूषण थे सारे उतार के दे दिए। किसमें खुशी ज्यादा हुई? पुत्र रत्न की प्राप्ति में कि चक्र रत्न उत्पन्न होने में? फिर विचार करते हैं भरत चक्रवर्ती, पहले चक्र रत्न की पूजा करने जाऊं, पहले पुत्र का मुख देखने जाऊं, कि पहले आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने जाऊं? चिंतन आता है, ये जो कुछ मिला है ये सब धर्म के प्रभाव से मिला है। किसके प्रभाव से मिला है? धर्म के प्रभाव से मिला है। तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? केवल ज्ञान की पूजा करने जाना चाहिए। चक्रवर्ती को सूतक पातक नहीं लगता है, महापुरुषों को सूतक पातक
नहीं लगता है, नहीं तो आप सोचो कि अच्छा उनके यहाँ तो पुत्र रत्न हुआ और वो पूजा करने जा रहे हैं, उनकी 96,000 रानियाँ होती हैं वहाँ तो होते रहते हैं, उनका तो जीवन ही पूरा उसमें निकल जाएगा। लेकिन महापुरुषों के विचार, उनकी भावना, उनका धर्म इतना होता है कि उनको सूतक पातक नहीं लगता है। यदि मान लो आपके घर में अस्पताल में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ठीक है, एक तरफ फोन आ गया, भाई साहब बस 10 लाख का माल चाहिए, ज़्यादा नहीं, या और बड़ा होगा तो करोड़ का चाहिए, थोड़ा और छोटा होगा तो 1 लाख का चाहिए, फोन आ गया आपके पास में। और तीसरे तरफ आपके यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं, अब आप कहाँ जाएंगे बताइए? पहले पुत्र रत्न के पास जाएंगे कि पहले लक्ष्मी को लेने जाएंगे कि पहले? हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसमें निर्णय करना बड़ा मुश्किल है, हैं, हाँ प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय वो महापुरुष वाली भावनाएं, वो महापुरुष क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर महान भावनाएं हैं। हम सामान्य पुरुष क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर सामान्य भावनाएं हैं। सबसे पहले तुम ग्राहक को निपटाने जाओगे, बेटे को तो बाद में देख लूँगा, ग्राहक भाग गया तो वो दोबारा नहीं मिलने वाला है, सबसे पहले जाके तुम अपनी कमाई करोगे और कहोगे बड़ा भगवान बेटा आया है, देखो है, हाँ जैसे ही बेटा आया वैसे ही इतनी की बिक्री देखो अचानक ही हो गई, हम तो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, बड़ा भगवान बेटा आया है, चलो उसको मैं बाद में देख लूँगा, पहले तो ग्राहक को निपटाऊँ। अभी आपको तो गुरुओं की याद ही नहीं आई, आपको तो अभी धर्म की मंदिर की याद ही नहीं आई, फिर जाके अपने वहाँ पुत्र रत्न के पास आओगे, फिर किसी का फोन आएगा, भाई साहब महाराज जी आए हैं आ जाओ, अरे कहाँ भाई साहब, फुर्सती नहीं है, अब घर में इतने काम हैं, इतने बिजी हैं, अब मुझे बार बार दुकान भी देखना है, वहाँ भी जाना है, कैसे आऊँ, नहीं आ पा रहा भाई साहब। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? यही प्रैक्टिकल है कि नहीं जीवन का? दुख बढ़ने का कारण क्या है कि हमारे जीवन में पहले धर्म नहीं है, और बाई चांस कोई कर भी ले तो अभी इतने पुण्यवान व्यक्ति नहीं है कि वो पहले वहाँ चला जाए गुरुओं के पास में तो वो ग्राहक दोबारा लौट के जाए, ऐसा भी नहीं है, वो भाग गया सो भाग गया फिर। तो जैसी परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं उन परिस्थितियों के अनुसार आदमी अपने आप को मोड़ रहा है। फिर भी सुबह का, प्रातः का जो समय होता है उस समय में इंसान को धर्म करना चाहिए, लेट उठने की बजाय जल्दी उठ जाओ, 1 घंटा जल्दी उठ जाओ, आपको टाइम नहीं मिलता है, दुकान टाइम से जाना है, आपको सारे काम टाइम से करना है, फिर भी आपके पास समय नहीं है, तो 1 घंटा जल्दी उठ जाओ, अपना सोने का समय कम कर लो, मगर धर्म जरूर करो, क्योंकि जो कुछ मिला है वो धर्म से ही मिला है, बिना धर्म के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो यहाँ तुमने कमाया है, तुमने कमाया नहीं है, तुमने खरीदा है, किससे खरीदा है? अपने पुण्य से खरीदा है, ये कैश किया है तुमने पुण्य को अपने, और कैश करते रहो, एक दिन तो पेटी खाली होगी, पुराना निकालते जाओ, और यदि वर्तमान में नहीं करोगे तो क्या होगा, पेटी एक दिन खाली हो जाएगी, और फिर क्या होगा, फिर आगे जो पर्याय मिलनी है, जब पुण्य नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा फिर? भाई जिनको मकान नहीं मिलता, कोठी नहीं मिलता, बंगला नहीं मिलता, वो कहाँ रहते हैं? वो सड़क पर रहते हैं, सड़क के किनारे पड़े रहते तो हैं कहीं ना कहीं। ऐसे ही ये जीव कहीं ना कहीं रहेगा तो सही, चाहे त्रयंच गति में रहे, नरक गति में रहे, कहीं रहे, रहेगा तो सही, लेकिन वो जो पुण्य से खरीदने वाली चीज है उसे खरीद नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये बात यहाँ कही कि धनिनाम इष्टम, इंसान को, जीव को धर्म इष्ट है, जीवितात सुतराम धनम, वो जीवित रहते हुए आशा करता रहता है सारी जिंदगी और कमा लूँ और कमा लूँ, लेकिन और धर्म कर लूँ और धर्म कर लूँ, ऐसे भाव उसके मन में नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? आयु का क्षय हो रहा है, आयु का क्षय हो रहा है, उम्र बढ़ रही है,
आयु का क्षय हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, और इस बढ़ती उम्र में बचपन में अज्ञानता में चला गया। बचपन कैसे चला गया? खेलना अच्छा लगता है, दौड़ना अच्छा लगता है, कोई समझाए तो समझ में नहीं आती है, बचपन अज्ञानता में चला गया। जवानी, जवानी घर गृहस्थी में चली गई, जिम्मेवारियों में चली गई, हैं वहाँ पर काम में चली गई, कमाने में चली गई। अब बुढ़ापा है, अब तो सुधार लो। नहीं, अब इतनी तृष्णा बढ़ गई है, इतनी तृष्णा बढ़ गई है कि वो तृष्णा अब धर्म नहीं करने देती है। अब हाथ पाँव में दम नहीं है, काम कर नहीं सकते, पाँव चल नहीं सकते, आँखें देख नहीं सकती हैं, फिर भी जो सारी जिंदगी के संस्कार हैं वो लौट लौट के वापस आते हैं और उन सब कामों को करने के लिए अंदर से प्रेरित करते हैं, और जब नहीं होता है तो दुखी करते हैं। आत्मा की तरफ फिर भी ध्यान नहीं जाता है, और आत्मा की तरफ ध्यान चला जाए तो कल्याण का रास्ता खुल जाता है। तो बंधुओं, इस टोप देश का यह ग्रंथ है, एक एक श्लोक के माध्यम से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है, बड़े अच्छी अच्छी दिशाएं दे रहा है। और यदि इस टोप देश ग्रंथ, हालांकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन सब ग्रंथों में इस टोप देश ग्रंथ वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है, प्रेरणामयी स्त्रोत है, प्रेरणामयी ग्रंथ है ये। यदि इसको पढ़कर, और मैं तो कहूँगी इसको याद जरूर करना चाहिए एक बार। इस टोप देश ग्रंथ जो है, आप लोग बहुत कुछ याद करते हो। इस टोप देश ग्रंथ ज़्यादा नहीं है, केवल शायद 56 या कितने श्लोक हैं, बस इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं है। यदि एक दिन में एक भी याद करोगे तो 56 दिन में यानी 1.5-2 महीने में पूरे हो जाएंगे। एक श्लोक एक दिन में याद करोगे, और आपके मंदिर में, आपके घरों में ये ग्रंथ जरूर मिलेगा, सब जगह मिलेगा, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा कि जिसकी समझ में आता है वो छोड़ता नहीं है, वो अपने पास जरूर रखता है। तो इस ग्रंथ को, अभी तो जो मैं बता रही हूँ वो आप सुने ही, लेकिन इसके बाद भी इसका अध्ययन और स्वाध्याय करते रहें, ताकि जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके, है ना? लेने के लिए वायु का, होने में चिरायु का, और मिलने में मनुष्य आयु का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और इस शरीर की कीमत समझने का, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और कल्याण करने में आत्मा का, घर में नारी का, घर में नारी का, शांतिधारा की झारी का, और अपने जीवन में समझने में और करने में आत्मा के कल्याण की तैयारी का। बोलिए 24 भगवान की।